नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर क्या नाम है आपका? मुकेश हिरवानी, इंदौर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 3 अप्रैल 2016 को ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी कर रहा था मैं, जैसे हमारे सभी समाज में करते हैं अन्य देवी देवताओं की, ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति कर रहा था। हमारे गांव में सारे लोग राधा स्वामी पंत से जुड़े हुए थे। जब राधा स्वामी पंत से जुड़े हुए थे तो मुझे भी लगा कि राधा स्वामी में जाते हैं तो क्या है, तो मैं 1996 से राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए जाने लगा। राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए मैं जाता था तो वहाँ पर गुरुजी बहुत अच्छी ज्ञान की चीज़ें बताते थे कि मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी है, गुरु नानक देव जी ने यह भक्ति करी है, रविदास जी महाराज ने यह भक्ति करी है और उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। और ये सारे राम रहीम वगैरह, गॉड अल्लाह, इनके सबके सिर्फ रास्ते अलग है, बल्कि रास्ते सब जाके एक ही जगह मिलते हैं और वो सबका मालिक एक है और उसकी भक्ति करना चाहिए और उन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो गुरुजी देते हैं और इसके बाद में ये परमात्मा के प्राप्त करने के लिए हैं। तो जब ये जब संतों की वाणी बोलते थे और संतों के बारे में बताते हैं कि परमात्मा एक है, राम रहीम एक है, तो परमात्मा कौन है, मेरे दिमाग में क्लिक करता था कि वो परमात्मा है कौन, जिसकी भक्ति करते हैं वो परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि वो परमात्मा कौन है। बल्कि राधा स्वामी के अंतर्गत मैं 17 साल तक गया, उन्होंने अभी तक उस परमात्मा का मुझे नाम नहीं बताया कि वो परमात्मा कौन है। परमात्मा के बारे में मुझे उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान से नहीं चला, तो वहाँ से मैं आसाराम बापू जी के सत्संगों में गया। मुझे एक हमारे पास में जिया जी थे, उन्होंने बोला कि आसाराम बाबू तो साक्षात सत्संगों के माध्यम में कृष्ण भगवान का अवतार हो जाते हैं, कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनको चलो विष्णु भगवान की भक्ति करके देखें, कहीं परमात्मा अपने को साक्षात मिल जाए। जब आसाराम बाबू जी के पास में गया तो उन्होंने 7-8 मंत्रों का उच्चार बताया। 7-8 मंत्र बताने पर उन्होंने बोला कि आपको जो उचित लगे, जो पसंद आए, आप उसकी चॉइस कर लो और उसकी भक्ति चालू कर दो, माला करना चालू कर दो, 10 माला करो डेली सुबह, 10 माला शाम को। उनको चलिए मैंने लिया, मैंने को चलो विष्णु भगवान की भक्ति करें, तो 4 साल तक मैंने विष्णु भगवान की भक्ति भी चालू करी। बल्कि वो भक्ति करने से भी मुझे बहुत कष्टों से गुजर रहा था, काफ़ी दुखों से गुजर रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था, यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि मैं कहीं सुसाइड कर लूँ। सुसाइड के बारे में मैंने जैसे सोचा, उनको नहीं, ये तो कोई उपाय ही नहीं है कि सुसाइड किया जाए, बल्कि उससे निपटा जाए। तो इस बीच में नवरात्रि का समय था, नवरात्रि में मैं हमारे इंदौर जिले के पास में देवास ज़िला है, वहाँ पर चामुंडा देवी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। हम पूरे परिवार के साथ में माता जी के दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए हम चढ़े हैं तो टेकरी के पास में ही वहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवाएं कर रहे थे। मैं उसके पास से थोड़ा आगे बढ़ा, वो ज्ञान गंगा लिखा हुआ जो था वो मुझे अट्रैक्टिव लगा, मुझे आकर्षित ज्ञान गंगा ने करा। मैं वापस रिटर्न आया, मैंने देखा मैंने कहा भाई उस पुस्तक को लिया, अच्छी लगी मुझे, घर पे आने के बाद में उसको पढ़ा। घर पे आने के बाद में मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें जब देखा तो बहुत सारा अलग ज्ञान लिखा था, बल्कि ये नहीं मालूम था कि ये ज्ञान देने वाला भी यहाँ पर मौजूद है, ये पता नहीं था मुझे, क्योंकि पुस्तक में लिखा होगा तो ये करके मैंने रख दिया। ये रखने के बाद में एक यहाँ पे इंदौर में एक भगत जी हैं, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है से वो जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने मुझे बोला कि मुकेश जी एक बहुत अच्छा ज्ञान है, आप परमात्मा के यूँ भी खाते पीते नहीं हो, आप उनके शिष्य बने हो, बल्कि ये आसाराम बापू जी का जो पंत हैं ये हैं, पंत तो सभी अच्छे हैं, बल्कि ये जो भक्ति विधि है ये गलत भक्ति विधि है, इस भक्ति विधि से मोक्ष नहीं मिलेगा, और अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष चाहिए, तो सही शास्त्रों के आधार पर आपको भक्ति करना पड़ेगी। तो मैंने क्या है, तो उन्होंने मुझे फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखी फिर से मैंने उसको पढ़ना चालू करा। जब स्टडी करी तो सारे शास्त्रों में प्रमाण थे, मेरे को नहीं यार इसमें मैं यकीन नहीं कर सकता, इसमें जो लिखा हुआ वो हो सकता है ये गलत हो सकता है, इस महाराज का कुछ छापा हुआ हो सकता है और दूसरों के बारे में गलत बोल रहे होंगे।
फिर मैंने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा ही, तो उसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा के अंतर्गत जो प्रमाण लिखे हुए थे, पेज वाइज प्रमाण लिखे हुए थे, ग्रंथों का नाम लिखा हुआ था। तो इंदौर के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा डिपो है श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ से मैं उन पुस्तकों को खरीद खरीद के लाना चालू करा और मैंने मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो वो प्रमाण देखा, वो प्रमाण देखने के बाद में मैं बहुत दंग रह गया, अचंभित रह गया, उनको नहीं यार ये प्रमाण कुछ ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें जब प्रमाण देखने के बाद में मिनको यार सही है आप क्या करना चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जब प्रथम नाम उपदेश के बारे में बताया और उच्चारण करवाया, मैंने वो नाम उपदेश जब सुना तो मैंने मेरा सिर पकड़ लिया कि इस मंत्रों को ढूंढने के लिए मैंने मेरे जीवन के 20 साल गमा बैठा। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर हमने सुना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़ने के बाद में मुझे शास्त्रों के आधार पर भक्ति मिली, उसके बाद में मेरे से साथ में जो चमत्कार हुए मैंने देखा कि 2017 में मेरे बच्चे के द्वारा नाम खंडित हो गया था। खंडित होने के बाद में तीसरे दिन बच्चे को अचानक जोर से तेज बुखार चढ़ा, तेज बुखार चढ़ने पे उसके सिर में इतना दर्द होना चालू हुआ इतना कि मैं रात को करीबन 12:30 बजे के लगभग पास में एक हॉस्पिटल थे वहाँ पे लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको डायनापर के इंजेक्शन तेज दर्द वाला लगाया, डायनापर के इंजेक्शन से भी उसको थोड़ी राहत मिली, उसका असर ख़त्म हुआ। उन्होंने बोल दिया था कि आप घर ले जाओ, घर लेके आ गए, जैसा उसका असर ख़त्म हुआ वापस उसका सिर दर्द तेज चालू हुआ। सुबह परेशान हो गए हम लोग कि अब ये क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने से उसका असर ख़त्म होने के बाद में वापस चालू हुआ। हॉस्पिटल में गए इंदौर के अंदर अरविंदो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पर हमने गए, वहाँ पे देखा, डॉक्टरों को बताया, चेक करा उन्होंने, तो उन्होंने हैवी डोज के जो इंजेक्शन हैं सारे हैवी डोज के इंजेक्शन लगाए उनके सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए, एंटीबायोटिक लगाई सब कुछ करा, उसके बावजूद भी सिर दर्द बंद नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टरों से बड़े डॉक्टरों से सब चर्चा करी, डॉक्टरों ने बोला कि भैया इनको हमने आज एंटीबायोटिक और हैवी डोज वाले भी दे रखे हैं जिससे कि इनका सिर दर्द बंद हो जाए, बल्कि बच्चे का सिर दर्द नहीं बंद रहा, मतलब कि उनके सिर के अंदर कुछ ऐसा है इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से ये दर्द बंद नहीं हो रहा है। बचाने के लिए बोले कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हैवी डोज से हैवी डोज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इन्फेक्शन का नाम सुनते ही मैं घबरा गया, मैं उनको आप क्या करूं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई कि मालिक ऐसी सी बात है और बच्चे की तबीयत डॉक्टर मना बोल रहे हैं। जब मैंने ये प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, आप भक्ति करते रहो, मंत्रों को उच्चारण करते रहो, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ये दया हुई कि बच्चे को धीरे 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 उसका सुधार होना चालू हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि इनके शरीर में पूरा इन्फेक्शन है, इनके बॉडी से केमिकल निकालेंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेंगे और उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाया और एक 5 रोज में एक रिपोर्ट आई थी, वो सारे बॉडी में से पीछे की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला था। उन्होंने बोल दिया था कि इस बच्चे को हम पानी निकालने की हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसको लकवा भी मार सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उन पे यकीन ना करते हुए मेरे जितने भी मित्र डॉक्टर थे सबसे फ़ोन पे बात करी, उनको इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है, उनको यार ये तो आप परमात्मा ही करे, संत रामपाल जी महाराज की ही दया हो सकती है, वही ठीक करते हैं, क्योंकि हम सत्संग सुनते थे और सत्संगों के माध्यम से हमें पता चलता था कि संत रामपाल जी महाराज अगर जो भक्ति बता दे वो भक्ति करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। तो ये हुआ कि उनकी जब प्रार्थना लगाने के बाद में सुधार चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया और लेके आ गए, संत रामपाल जी महाराज की दया से ही बच्चा ठीक हुआ और आज वो भी खुश है और भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा एक और चमत्कार अभी नया हुआ था, मेरी सिस्टर ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी, उन्होंने ग्रहण करने के बाद में उन्होंने ठीक से मर्यादा नहीं रखी, नाम खंडित कर लिया। नाम खंडित होने के बाद में उनको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, कैंसर की बीमारी हुई, ये मुझे नहीं पता चला।
जब उनको ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और तकलीफ होने के बाद में उन्होंने सबसे पहले है मेरी पत्नी को बताया कि भाभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने कहा ये कब से है, बोले कि ये मुझे करीब 3 से 4 साल हो गए, मैंने कहा बेन बताना चाहिए इतनी बड़ी बीमारी, मैंने कहा चलिए दिखाते हैं, मैंने मेरे पर्सनल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद बोला बोले मुकेश जी इसका अपने को एक बायोप्सी करवाना पड़ेगा, बायोप्सी एक जिससे इसका टेस्ट होता है और वो टेस्ट बाहर हो के आते हैं, मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने कहा टेस्ट बोले 3000 रुपये की उस की ये रहेगी और ऑपरेशन का मिला के 4000 रुपये लगेगी, मैंने कहा चलिए ठीक है, उन्होंने एक फीस निकाला बायोप्सी के लिए पहुँचाया और जब उसके रिपोर्ट आई तो पता चला है कि 3 ग्रेड का जो कैंसर उत्तर हैं वो 3 ग्रेड का कैंसर क्रॉस हो चुका था और 4th ग्रेड में लगने वाला था, उन्होंने बोला कि ये 4th में आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैंने कहा 4th की स्टेप होती कैसी है, 4th हम कैसे पहचानेंगे कि 4th है, बोला कि जब शरीर में कैंसर होता है जगह जगह कैंसर की गांठें बनने लग जाती हैं, ब्लास्ट होने लग जाती है, ठीक है ना, और तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ लीजिएगा कि ये 4th ग्रेड का है, उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी, मैंने वो जानकारी मेरी बहन को नहीं बताई क्योंकि मैंने उसको बताऊंगा तो और जिएगी कैसे वो, उनको ब्रेस्ट कैंसर का था, एक की जगह दूसरी जगह भी हो गई, उनके पूरे हाथ में दाहिनी हाथ में उनका इतना मोटा हाथ हो गया और उसे फट रहा था, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, इनको आप ज़्यादा ही हो गई, संत रामपाल जी महाराज जी उनको बहन आप शुद्धिकरण करवाओ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके पुनः उपदेश करवा के शुद्धिकरण करवाया और उनको नाम दीक्षा दिला दी, भक्ति करवाई, धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रार्थना करी और मालिक से बात ये करे कि आप भक्ति करो तो परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो, भक्ति करते करते उनको फिर सतनाम मिल गया 4 महीने के बाद में, तो उनको बहन को फिर हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बोला कि इसको हमारे बस की बात नहीं है, बस की बात इसलिए नहीं कि इनको पूरा बॉडी में फैल चुका है कैंसर का, पूरा बॉडी में ये जो दाहिना हाथ था ये दाहिना हाथ भी इतना हो गया था, और बोले कि हमारे वो बस का बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें संतुष्टि रखना पड़ेगा। जब ये चीज़ मेरे भांजे ने मुझे बताया कि मामा ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है, मैं बाहर बैठ के हॉस्पिटल के बाहर खूब रो रहा था, हम इनको एक काम करें अपन संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर अपन अर्जी लगाएं, एक लास्ट अर्जी लगा दें, अब जो भी परमात्मा दया करेंगे। जब वहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैंने फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई, प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने बताया कि आप सतनाम का सुमरण करो और संकल्प कर लो, मैंने एक संकल्प करा वहीं से और परमात्मा की ऐसी दया हुई, संकल्प करने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि 15 मिनट के बाद में बेन को आराम मिलना चालू हुआ, आराम मिलने के बाद में उन्होंने 20 मिनट बाद में वहीं पर आने की अनार खाए, कुछ अनार खाने के बाद में वो सुधार होना चालू हुआ, सुधार होते 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 आज बेन पूर्ण ठीक हो चुकी है और जिसको मतलब 4 महीने जो बेन बिस्तर पे कभी सोई नहीं थी, पीठ नहीं लगाया होता, आज वो संतुष्ट सो रही है और दया परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की है कि अभी वो ठीक है और मालिक की भक्ति कर रही है। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि बगैर ऑपरेशन के बगैर दवाई के परमात्मा की दया से ठीक है बहन, और डॉक्टरों ने जो बोल दिया था कि इसको 4th स्टेप का जो कैंसर जो फैला हुआ है पूरी बॉडी में फैल चुका था, बोले कि इससे हमारे बस की बात नहीं, आप घर ले जा सकते हो इसको, बल्कि परमात्मा की ऐसी दया है कि अभी वो पूर्णतः ठीक है, उनका पूरा परिवार जुड़ चुका है। हाँ, एक इससे फ़ायदा ये हुआ है संत रामपाल जी महाराज की कि जो बाहर के जो भाई जो लोग जुड़े नहीं थे वो बोलते थे कि आपको जुड़ने से संत रामपाल जी महाराज की पूजा पाठ करने से भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे वो आज उनकी भक्ति विधि से उनके बताए हुए हम कर रहे हैं तो वो भी खुश हैं और वो अभी सत्संग देखने लग गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी बीमारी या कैंसर के मरीज हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद में बहुत सारी बीमारियाँ हैं और उनसे आप बच सकते हो, छुटकारा और घर में सुख शांति भी आती है उससे आपको, कि सुख शांति भी चाहिए व्यक्ति को। ये समाज में आज की कंडीशन ऐसी है
कि व्यक्ति तकलीफों से गुजर रहे हैं, सही भक्ति करेंगे तो सुख शांति होंगे। और आप सारे से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिएगा और जल्दी से जल्दी आइएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी पे नंबर रहते हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन लगा सकते हो। फ़ोन लगाने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि हर ज़िले में अभी सेंटर खुल चुके हैं नाम दीक्षा के, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई।